इट्स प्रिटी शेड। ये तो काफी बड़ा मजाक हो गया यार। बचपन में हमने ऐसी पेंसिल्स यूज करी थी ना, जिसमें नीचे से हम ऐसे लेड निकालते थे। नॉट स्मजिंग एट ऑल। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's that time of the year जब लगती है नायका पर amazing सी sales. So we have our biggest sale of the year. नायका की जो सबसे best sale लगती है वो हमेशा year end पे लगती है, which is the नायका Pink Friday sale haul. And as usual मेरा ritual होता है, मैं जब भी unboxing करती हूँ मैं आप सबके साथ YouTube पर करती हूँ. So मैंने अभी कुछ भी देखा नहीं है, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में खोला था. In fact my husband opened it because उसको आजकल बड़ा मजा आता है मेरे PR boxes खोलने में. So मैंने एक झलक देखी है बस, अब मैं proper देखने वाली हूँ क्या है मेरे Pink फ्राइडे सेल बॉक्स में. इसके अलावा मैं काफी सारे रिकमेंडेशन करने वाली हूँ मेरे इंस्टाग्राम पेज पर. सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माय इंस्टाग्राम आईडी इज kashika.chauhan. आई विल बी डूइंग अ Q&A रिकमेंडेशन. जब सेल शुरू होगी मैं वो Q&A रिकमेंडेशन भी डाल दूंगी, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू लाइक फीचर प्रोडक्ट जो आप चाहते हो, लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू बाय यू कैन आस्क मी देयर एंड आई एम गोना पोस्ट द बेस्ट वन. अगर आपको किसी का स्वॉच भी देखना है, फाउंडेशन, कंसीलर, लिपस्टिक, वो भी आप अपने Q&A में पूछ सकते हो. सो मैं उसका स्वॉच भी डाल दूंगी. सो एक क्लैरिटी रहती है. सो इफ यू वॉन्ट बाय एनीथिंग फ्रॉम नायका and you are confused, make sure you follow me on Instagram. Coming back to the topic, let's go ahead and see what is in my Nykaa Pink Friday sale box. This is sent by the brand, by the way. Nykaa ne bheja hai, lekin ye video sponsored nahi hai. This is not in any sort of collaboration. It's just a PR box unboxing. Lekin jitne bhi links hai niche description box mein, those are affiliate links. So I kind of earn a very small commission from that. So if you want to support me and my content, make sure you shop from my links. Yeah, that is the best you can do for me. And by the way, I'm wearing Kashmana. Before you ask, what are you wearing? I'm wearing this beautiful corset jiska ekdam valentine vibes hai. Like I should call it valentine corset because iski bilkul aisi wali vibes hai. It's a very pretty pink corset. Iski pants bhi aati hain, obviously maine abhi pehni nahi hai because youtube video mein pants ki zarurat nahi hoti, but it has a matching pants as well. This is available on kashmana, by the way. You can shop from there. Jo bhi details hongi aapko mere kashmana ke instagram id pe mil jayenge. So make sure you check there and shop. And without any further ado, let's do the unboxing. The reason why these boxes are super heavy is the bubble रैपिंग. मतलब इतने सारे तो इसमें बबल रैप्स लगे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली काफी सारा सेंसिटिव सामान भी होता है. सो काफी अच्छे से रखना होता है. आई मेक श्योर कि मैं ऐसे बबल रैप्स को फेंकू ना. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनको अपसाइकिल करूँ या फिर रीयूज कर लूँ किसी ना किसी भी चीज में. गोना गो इन अ वेरी रैंडम मैनर. नंबर वन प्रोडक्ट विच इज लाइक द बिगेस्ट बॉटल इन द बॉक्स इज द हर्बल एसेंस रिपेयर आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को शैम्पू. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई हैव यूज दिस रेंज लास्ट टू लास्ट ईयर. आई थिंक मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांड ने मुझे PR में भेजा था और यही वाली रेंज भेजी थी, इसका शैम्पू, इसका कंडीशनर. ये जो रेंज है ना, ये स्पेसिफिकली बनी है ड्राई हेयर के लिए. लाइक विंटर्स में काफी ज्यादा बाल ऐसे ड्राई हो जाते हैं, स्कैल्प बहुत ऐसे फ्लिकी फ्लिकी ड्राई रहती है. सो अपकमिंग वेदर के लिए तो ये शैम्पू बहुत अच्छा है. हर्बल एसेंस पे हमेशा अच्छे ऑफर होते हैं नायका पर. अभी भी करंटली जो भी ऑफर्स होंगे ना, बाय द वे मैं यहाँ पे कहीं टेक्स्ट में मेंशन कर दूंगी, बिकॉज अभी मैं शूट कर रही हूँ, सेल अभी शुरू नहीं हुई. जब स्टार्ट होगी तब मैं एडिट करने बैठूंगी सो दैट आई कैन सी ऑल द ऑफर्स. तो जो भी ऑफर्स होंगे मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी विद द प्राइस एंड स्क्रीनशॉट. सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. ओके, आई फाउंड द प्रोडक्ट विच इज स्मेलिंग द बेस्ट इन द बॉक्स. इसकी वजह से पूरे बॉक्स में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है. इट्स अ ह्यूज ह्यूज, मतलब आई थिंक ये पूरे साल लास्ट करने वाला है, बिकॉज काफी बड़ी बॉटल है. दिस इज द पियर्स नेचुरल ब्राइटनिंग पोमोग्रेनेट बॉडी वॉश. दिस इज 100% सोप फ्री. पियर्स के सोप मैंने काफी यूज किया है, बिकॉज वो बचपन में ऐसे ऐड आता था ग्लिसरीन वाला, ट्रांसपेरेंट वाला सोप, वो मेरा फेवरेट होता था. मतलब अगर ड्राई स्किन हो रही है ना तो आप ऐसा कोई बॉडी वॉश यूज कर सकते हो. मैं भी विंटर्स में ज्यादातर बॉडी वॉशेज यूज करती हूँ, बिकॉज विंटर्स में एक ड्राइनेस का बहुत इशू रहता है. कोई भी सोप यूज करो ना, स्किन और ड्राई हो जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा सूखी सूखी हो गई है, डेजर्ट जैसी स्किन हो जाती है. सो विंटर्स के लिए काफी अच्छा है. दिस वन इज फॉर 500 rupees, बट आई एम डैम श्योर ये नायका के सेल पे डिस्काउंट पर होगा. एंड इतनी बड़ी बॉटल अगर आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही हो ना तो ले लो, बिकॉज दिस वन लास्ट रियली वेल. नेक्स्ट अप इज समथिंग वेरी वेरी सरप्राइजिंग. आई थिंक नायका को पता चल गया कि अब मेरी शादी हो गई है, बिकॉज लास्ट ईयर तो ऑब्वियसली आई वॉज अनमैरिड और फर्स्ट टाइम मेरे नायका के पिंक बॉक्स में एक मेन परफ्यूम आया. मतलब जब मैंने इसको खोला ना, आई वॉज लाइक आई टोल्ड माई हस्बैंड कि इसमें मेन का परफ्यूम क्यों आया है. सो आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम आया. दिस इज द जैगुआर क्लासिक ब्लैक परफ्यूम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड द प्राइस इज वॉपिंग. मतलब काफी एक्सपेंसिव रेंज में आता है. आई थिंक ये नायका की लक्स कैटेगरी में आता है. नायका पर जब सेल लगती है ना, आई थिंक परफ्यूम्स लेना कभी मत भूलना, बिकॉज परफ्यूम्स यूजली आपको अच्छे डिस्काउंट पर नहीं मिलते. सो जब भी नायका की सेल लगती है, आई ऑलवेज मेक श्योर मैं उनके डिओड्रेंट्स या बॉडी मिस्ट या जो भी होते हैं ना परफ्यूम कैटेगरी में स्टॉकअप कर लूँ, बिकॉज फिर वो अच्छी डील्स पर नहीं आते. नायका के बॉडी मिस्ट बहुत अच्छे डील पर होते हैं, बाथ एंड बॉडी वर्क्स के बॉडी
बॉडी मिस्ट काफ़ी अच्छी डील पर होते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दोज. प्लम के बॉडी मिस्ट आते हैं, सो आप वो भी ले सकते हो. प्लम के छोटे छोटे EDB परफ्यूम्स भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हो बिकॉज परफ्यूम्स पर अभी बहुत अच्छी डील होती है. सो दिस वन इज़ बाई जैगुआर, अ क्लासिक ब्लैक, एंड आई लव द बॉटल. एकदम लग्जूरियस इसकी बॉटल है, जस्टिफाइज द प्राइस पॉइंट एज वेल, एंड इट स्मेल्स रियली नाइस. मतलब इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक मेन, मतलब एकदम मेन परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी लग्जूरियस खुशबू होती है ना इसकी, बिल्कुल वैसी वाली फ्रेगरेंस है. अमन इज गोइंग टू यूज़ इट एंड आई एम श्योर उसको काफ़ी पसंद आने वाला है बिकॉज की खुशबू काफ़ी क्लासी है. इट हैज़ दैट क्लासी मस्की फ्रेगरेंस जो एकदम स्ट्रॉन्ग मेन परफ्यूम्स में आती है, और ये मैं भी यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज मुझे ऐसे वाले परफ्यूम्स काफ़ी पसंद है. आई एम नॉट समन हु लाइक वेरी फ्लोरल एंड स्वीट नोट्स, मुझे ऐसे मस्की मैनली वाले परफ्यूम्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो या डेफिनेटली ग्रैब दिस वन. इफ वी हैव समथिंग इन मेकअप कैटेगरी, दिस इज द मार्स डबल ट्रबल मस्का. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. काफी बड़ी बॉटल है, पहले मुझे लगा कोई परफ्यूम है, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा मार्स का ये प्रोडक्ट है. एंड डबल ट्रबल मस्कारा क्या है जरा देखते हैं बिकॉज मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, मैंने कभी यूज नहीं किया. आई लव द पैकेजिंग. रियली वांट टू अप्रिशिएट मार्स आजकल जो क्रिएटिविटी कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है उनके मेकअप प्रोडक्ट्स में, बिकॉज जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना इनके आजकल मेबेलिन लॉरियल से को टक्कर दे रहे हैं बिकॉज द क्वालिटी इज रियली नाइस एंड एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस. और मार्स आपको नायका पर भी मिल जाएगा एंड अभी ऑफकोर्स सेल चल रही है तो आपको काफी अच्छी डील पर मिल जाएगा. सो दिस इज समथिंग लाइक कलरबार. कलरबार का भी एक मस्कारा आता था जिसको आप ऊपर से भी खोल सकते थे, नीचे से भी. सो ये भी कुछ इसी तरह से आई थिंक. सो वी हैव टू ओपनिंग्स है. सबसे पहला है लेंथ के लिए. अगर हम ऊपर से निकालेंगे तो जो मस्कारा निकलेगा दैट इज फॉर लेंथनिंग, बिकॉज जो ऊपर से निकलेगा ना वो पूरा ऐसे वाइप आउट होके निकलेगा. ओ माई गॉड, आई लव द वॉन्ड. लुक एट द वॉन्ड, एकदम सेंटर से फ्लफी वाली जो वॉन्ड होती है ना, इससे काफ़ी अच्छे से आपकी लैशेस सुप्रीमली हैवी हो जाती हैं. सो दिस वन इज़ फॉर लेंथनिंग. एंड अगर मैं इसको नीचे से खोलूंगी, दिस वन इज़ फॉर वॉल्यूम, इस पर लिखा भी हुआ है. सो वंस यू टेक इट आउट फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से प्रोडक्ट ज़्यादा निकला है, यहाँ से डिस्पेंस ज़्यादा हुआ है बिकॉज द होल इज़ बिगर. सो यहाँ से आपको वॉल्यूम मिलेगी. सो द कंसेप्ट ऑफ दिस मस्कारा, बिकॉज दो प्रोडक्ट्स आपको एक के अंदर ही मिल रहे हैं, यू आर सेविंग मनी एंड यू आर टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. बिकॉज मस्कारा की जो लाइफ होती है काफ़ी छोटी होती है, लाइक मस्कारा 3 to 4 months ही लास्ट करते हैं, उसके बाद वो वैसे भी ड्राई होने शुरू हो जाते हैं. सो एक ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो बेटर रहेगा. अगर आपको लाइट एकदम लुक चाहिए, वर्क लुक, ऑफिस, कोई नेचुरल मेकअप करना है तो आप लेंथनिंग यूज़ कर सकते हो. अगर हैवी लैशेस चाहिए तो आप वॉल्यूम वाली साइड यूज़ कर सकते हो. प्राइस है 279, विच इज शॉकिंग बिकॉज कलरबार का जो ऐसा मस्कारा आता था ना, आई थिंक वो 600-700 प्लस आता था, तो ऑलरेडी काफी अफोर्डेबल प्राइस पे है. और इस पर अगर डिस्काउंट होगा, कोई डील होगी, तो ये और अफोर्डेबल हो जाएगा. सो यार डेफिनेटली चेक इट आउट मार्स के. इसके अलावा रियली लाइक द लिक्विड आई शेडोज, मुझे बहुत अच्छी लगती है. मार्स की लिपस्टिक्स काफी अच्छी है. मार्स का मेकअप ब्रश, मैंने अभी भी एक मेकअप लुक क्रिएट करी है. बाय द वे जो मैंने अभी मेकअप किया है, मैंने सारे नायका पर जो जो सेल पर अवेलेबल है वही प्रोडक्ट से मेकअप लुक क्रिएट करी है. इसकी रील आने वाली है मेरे इंस्टाग्राम पर, सो मेक श्योर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो आज भी जो मैंने ब्रशेज यूज़ करे हैं ना, बिकॉज मार्स की बात हो रही है तो एक क्विक सा रिव्यू भी दे देती हूँ. मैंने मार्स के ब्रशेज ही यूज़ करे हैं. ये इनका एक सेट आता है पूरा सेट ऑफ 5 या 6 का. आई लव दीज. दीज आर लाइक लग्जूरियस ब्रश इन बजट बिकॉज 999 rupees के आते हैं, उसके ऊपर डिस्काउंट लग जाता है एंड द क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग. मोर देन एन ईयर हो चुका है, मैं इनको काफ़ी बार वॉश भी कर चुकी हूँ एंड या दे आर वर्किंग रियली नाइस. सो ये वाले ब्रशेज भी आप डेफिनेटली ले सकते हो, मैं इनका लिंक भी नीचे डाल दूंगी. सब वी हैव अनदर मेकअप प्रोडक्ट. दिस वन इज बाय स्विस ब्यूटी. ओ आई ऑलरेडी हैव दिस, लेकिन ये हाई परफॉर्मेंस. ओके, आई थिंक इन्होंने कुछ अपडेट किया इनकी पैकेजिंग में. पहले इसका नाम कुछ और था, फुल कवरेज समथिंग फाउंडेशन इसका नाम था. ये मेरे पास घर में रखा हुआ है अभी भी. दिस वन इज द स्विस ब्यूटी हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन विद विटामिन सी, नायसनामाइड, लाइट वेट, वाटर रेजिस्टेंट, नॉन क्रीजिंग. आजकल सारे मेकअप वाले ब्रांड्स भी ना ऐसे स्किन के इन्फ्यूज मेकअप बनाने लगे हैं बिकॉज आजकल ऑडियंस काफी इंटेलिजेंट हो गई है. दे नो वट इज विटामिन सी, वट इज नायसनामाइड. सो ये जो शेड है, दिस इज 01 वाइट आइवरी. ओके, आइवरी शेड है, सो ये तो मुझे नहीं आने वाला. आइवरी इज अ वेरी लाइट शेड. आई एम सॉर्ट ऑफ वीटिश. या ये मुझे नहीं आने वाला. दिस इज अ वेरी वेरी लाइट शेड. लाइक लुक एट दिस. इसको तो मैं लगा के एकदम भूत बन जाऊंगी. सो शुड आई स्वॉच इट अ लिटल? नहीं आ रहा. आइवरी बहुत लाइट है, इसको मैंने स्वॉच कर दिया, फिर खराब भी हो जाएगा. जो प्रोडक्ट्स मुझे पता है ना, मुझे क्लियर कट नहीं आने वाला है. आई डोंट रुइन द पैकेजिंग. एटलीस्ट मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी आगे, गिव अवे मैं आपको ही दे दूंगी, बेटर रहेगा बिकॉज दिस इज नॉट माई शेड. स्विस ब्यूटी में अगर मैं कुछ रिकमेंड करूंगी ना, आई वुड रिकमेंड देयर कंसीलर्स. आई लव द कंसीलर. स्विस ब्यूटी कंसीलर तो इस टाइम ले लो. देन नेक्स्ट ऑफ समथिंग आई वुड रिकमेंड इज देयर हाईलाइटर वाला, ये वाला ब्रिक. ये मैंने अभी यूज किया इस लुक के लिए. द हाईलाइटर दैट आई अप्लाइड इज दिस वन
only. This is a Swiss Beauty Baked Blush and Highlighter in the shade 03. Very beautiful highlighter. The best part is आप इसको खाली highlighter की तरह use करो, blush highlighter की तरह use करो और a darker shade of blush की तरह use करो या फिर eyeshadow की तरह भी use कर सकते हो. This is a multitasking product. Again, very very affordable. So Swiss Beauty में अगर मैं कुछ recommend करूँगी, this their eyeshadows are very nice, their concealers are very nice. इनके pot वाले cheek tints आते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. लिपस्टिक्स इनकी काफ़ी अच्छी हैं, जो इनकी मैट लिपस्टिक्स आती हैं तो वो भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. बिकॉज स्विस ब्यूटी पर इस टाइम बहुत ही डील लगती है. अगर इस पर डिस्काउंट नहीं होता ना तो नायका करता है ऑफर्स देते हैं क्लब करके. सो अगर आप 5-6 प्रोडक्ट्स ऑर्डर एक साथ करोगे ना स्विस ब्यूटी से तो आपको कुछ ना कुछ फ्री मिल जाएगा. सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ गुड डील ओनली. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. नेक्स्ट वी हैव समथिंग फ्रॉम पॉन्स. ये है पॉन्स का ग्लूटा नायासिनमाइड कॉम्प्लेक्स 12% सीरम करेक्ट्स डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन. ये कुछ इस तरह से दिखता है. मैं रिसेंटली अभी श्रेया जैन की वीडियो देख रही थी जो उनकी दीवा लॉक की सीरीज की थी. आई लव हर दीवा लॉक सीरीज, काफी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोज होती हैं. एंड आई रिमेंबर उनकी एक एपिसोड में उन्होंने स्पेसिफिकली बात करी थी ग्लूटा थायोन बेस्ड प्रोडक्ट की. एंड आई कुडंट एग्री मोर. मैं खुद इस चीज को सपोर्ट करती हूँ कि ग्लूटा थायोन स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग आई थिंक हम सबको प्रमोट नहीं करने चाहिए. सो दिस इज समथिंग आई वोंट रिकमेंड फ्रॉम दिस बॉक्स. नॉट माई थिंग, नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू प्रमोट. ग्लूटा थायोन वाइटनिंग ये सब चीजें आपको एक टेम्पररी बेसिस पर रिजल्ट दे देंगी. एक ग्लो आ जाएगा, स्किन हल्की सी लाइटन अप हो जाएगी. बट दिस इज समथिंग नॉट सेफ फॉर योर स्किन, आई वुड से नॉट इवन सेफ फॉर योर बॉडी एज वेल. तो इन चीज़ों में मत पड़ो यार, जस्ट यूज अ नाइस नायसिनमाइड बेस्ड सीरम. लेकिन ये ग्लूटा बेस्ड कुछ मत ट्राई करना. दिस इज नॉट समथिंग आई विल रिकमेंड, नॉट एट ऑल. नेक्स्ट अप इज समथिंग फ्रॉम रेने. दिस इज द फैब 5 5-in-1 लिपस्टिक. आई ऑलरेडी हैव दिस, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पर या फिर मेरे घर पर है. बट आई थिंक ये ग्लॉसी वाली है. ओके, दिस इज द न्यू वन. वो मेरे पास ओल्डर वाली थी. दिस इज द ग्लॉसी रेंज. सो ये काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है. इफ यू आर समवन हु लाइक टू बाय मल्टीपल मेकअप प्रोडक्ट्स, फिर आप फिनिश नहीं कर पाते, वो चीज़ एक्सपायर हो जाती है, या फिर आप ट्रैवल करते हो, या फिर आप अपने ऑफिस बैग में बहुत सारे शेड्स रखना प्रेफर करते हो, आई थिंक दिस इज समथिंग फॉर यू. बिकॉज इसमें आप स्टैक कर सकते हो अलग अलग शेड्स. और अब तो आई थिंक रेने ने डिफरेंट भी निकाल दिया फॉर सेलिंग. लाइक आप ये सिंगल सिंगल भी खरीद सकते हो और आप अपना एक स्टैक बना सकते हो. सो ये 5 लिपस्टिक्स हैं जो कुछ इस तरह से आती हैं. बचपन में हमने ऐसी पेंसिल्स यूज करी थी ना, जिसमें नीचे से हम ऐसे लेड निकालते थे और ऊपर आपको बहुत ध्यान से डालना है, बिकॉज अगर आप हल्का सा भी इधर उधर हो गए तो ये टूट जाएगी. इसमें काफी ब्यूटीफुल शेड्स हैं. जो मेरे पास थे उसमें खाली न्यूड शेड ही थे. लाइक वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक, एक रेडिश कलर है, एक न्यूड ब्राउन कलर है, एक मरून, एक और डार्कर ब्राउन कलर है. लेट मी स्वॉच इट अ लिटिल एंड शो यू. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बबली पिंक कलर होता है ना, बहुत प्यारा कलर है. आई थिंक ये जो पूरी 5-in-1 वाला सेट है ना, ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जिनको ब्राइट शेड्स लगाने पसंद है. ये तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हल्का सा भी आप इधर उधर हो गया ना तो ये टूट सकती है. सो यू रियली हैव टू बी केयरफुल. बट इफ यू लाइक सच क्वर्की प्रोडक्ट्स, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. रहने पर भी बहुत अच्छी डील चल रही है नायका पर. रहने का जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ना, दैट इज अ पीएच वाला लिप बाम. मैंने रिव्यू भी किया हुआ है. आई लव दैट. दो मैं उसको हाइप स्टोर पर प्रमोट करती थी, पर वो नायका पर भी अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो. बहुत अच्छा पीएच बेस्ड लिप बाम है. देन आई रियली लाइक देयर हॉलीवुड फिल्टर प्राइमर. इनका एक टब में हॉलीवुड फिल्टर वाला प्राइमर आता है. यू जस्ट यूज इट, एकदम स्मूदनप हो जाती है आपकी स्किन. इनकी लिपस्टिक्स काफी अच्छी है. बैक टू स्किन केयर, वी हैव समथिंग फ्रॉम प्लम. ये प्लम का ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश. इट फाइट्स पिंपल, कंट्रोल्स ऑयल विद ग्लाइकोलिक एसिड. ओके, ये उनका ग्रीन टी वाले रेंज का है. आई थिंक पहले कुछ एक डिफरेंट पैकेजिंग आती थी जो लॉन्च हुई थी, जब प्लम बिल्कुल लॉन्च हुआ था. उन्होंने सबसे पहली जो रेंज निकाली थी वो ये ग्रीन टी वाली रेंज ही थी, विच इज स्पेसिफिकली फॉर एक्ने प्रोन स्किन. अब इन्होंने पैकेजिंग काफी चेंज कर दी है. इट्स लाइक अ रियली नाइस एंड क्लासी स्लीक पैकेजिंग. ये मैंने यूज किया हुआ है. अगर ये फॉर्मुलेशन वही है तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी, बिकॉज वो मुझे काफी पसंद था. काफी अच्छे स्किन क्लेंस हो जाती थी. ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो ये काफी अच्छा फेस वॉश है. अगेन प्लम पर आपको अमेजिंग ऑफर्स मिलेंगे नायका पर. इनफैक्ट ये फ्रीबीज भी देते हैं. अगर आप प्लम से इस टाइम लोगे ना, ये आपको कुछ ना कुछ फ्री में भी देने वाले हैं. इनका जो सैम्पल साइज प्रोडक्ट्स होते हैं, आई रियली लाइक देयर बॉडी में. देयर ईडीपी इज वेरी नाइस. इनका शैम्पू कंडीशनर्स बहुत अच्छे हैं. इनके हेयर मास्क बहुत अच्छे हैं. देन प्लम में मेरे को इनकी लिपस्टिक्स भी अच्छी लगती हैं. इनकी मैट लिपस्टिक्स भी काफी अच्छी हैं. सो या नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम निक्स. ये है निक्स का ब्राइटन्स मैट लिक्विड आईलाइनर. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. दिस वन इज इन द शेड कोबाल्ट क्रश. ओके, सो इट्स आई थिंक ये एकदम वाइब्रेंट वाला ब्लू कलर होगा. निक्स अगेन वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड. निक्स पर भी बहुत अच्छी सेल इस टाइम लगी हुई है. इनका जो एक प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करूंगी ना आपको, वो है इनका सेटिंग स्प्रे. निक्स के सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छे हैं. अब तो वैसे ही वेडिंग सीजन आ रहा है, शादी एंड ऑल का मेकअप सबको करना होगा, तो इनका डुई वाले जो सेटिंग स्प्रे है ना, वो तो जरूर लेना. दैट इज समथिंग आई ऑलवेज रीस्टॉक. जब भी मेरा खत्म हो जाता है मैं हमेशा परचेज करती हूँ नायका से. ओके, सो इट हैज अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल पैकेजिंग एंड लेट मी स्वॉच इट. ऐसे वाले लाइनर्स मुझे विंटर्स में बहुत पसंद है, बिकॉज विंटर्स में ना हम ऐसे वाले स्वेटर्स पहनते हैं, लाइक ब्लू कलर का स्वेटर, पिंक कलर का. सो मुझे ऐसे कलर लाइनर्स लगाने पसंद है. आई लव देम. एवरीडे लुक्स के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं.
ooh, it's a very pretty sky blue sort of color. मतलब बिल्कुल school uniform वाला color है, I would say. Because हमारी जो school uniform होती थी ना, वो बिल्कुल यही वाले color की होती थी. Look at this. It's been a while. I think 2 minutes हो चुके हैं. जरा इसका smudge test करके देखते हैं. And it is not smudging at all. So yeah, it is definitely good quality. देखा, मैंने बोला था ना, NYX के eyeliners हमेशा top quality के होते हैं. So ये बिल्कुल smudge नहीं हुआ. ये तो definitely ले लो. अगर इसमें और भी colors आते होंगे ना, please check करना. Because colored liners जो smudge proof होना, वो बहुत कम मार्केट में मिलते हैं. ब्लैक आई लाइनर कोई भी स्मच प्रूफ बना सकता है, लेकिन कलर लाइनर बहुत जल्दी स्मच हो जाते हैं. सो अगर ये बिल्कुल भी स्मच नहीं हो रहा ना, दिस इज डेफिनेटली क्वालिटी. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसमें के ब्यूटी का इंटेंस स्मोकी वाटर प्रूफ बिल्ट इन स्मजर, ईजी ब्लेंडेबिलिटी का हाई ड्रामा स्मोकी काजल. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. हमेशा के ब्यूटी का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आता ही है, लेकिन आज मैं दो अलग से प्रोडक्ट फीचर करने वाली हूँ. बिकॉज अभी भी जो मैंने लुक क्रिएट करी है ना, मैंने उसमें के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ही यूज करे हैं. आई यूज द फाउंडेशन एंड कंसीलर, ये मैं अपनी तरफ से फीचर कर रही हूँ. बिकॉज आई लव दीज. और के ब्यूटी पे ना हमेशा इतना कोई सॉलिड डिस्काउंट नहीं होता नायका पे, ज़्यादा 10, 20, 100 रुपीज़ का होता है. लेकिन अभी जो पिंक फ्राइडे सेल लगी है ना, आई एम श्योर इस पर आपको बहुत अमेजिंग ऑफर मिलने वाले हैं. एंड दिस फाउंडेशन इज समथिंग दैट यू हैव टू ग्रैब. बिकॉज अब जो वेदर आने वाला है ना विंटर्स का, सबकी स्किन ऐसे ड्राई हो जाती है, स्ट्रेची स्ट्रेची होती है. आप कोई भी मैट फाउंडेशन नहीं यूज़ कर सकते. मेरी ऑयली स्किन है, लेकिन मेरी खुद की भी स्किन विंटर्स में एकदम ड्राई हो जाती है. मैं कोई भी फाउंडेशन मैट वाला यूज़ करती हूँ, वो क्रैक होता है, पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं. और अभी वेडिंग सीजन है, तो आई एम श्योर सबको कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा. सो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है. दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर ड्राई स्किन. आई थिंक अभी भी बहुत कम ऐसे फाउंडेशन है जो ड्राई स्किन के लिए बनते हैं. के ब्यूटी इज वन ऑफ देम. दिस इज देयर हाइड्रेटिंग फाउंडेशन. पैकेजिंग एकदम क्लीन क्लासी है. आई एम इन द शेड 125Y मीडियम. आई लव द फैक्ट के ब्यूटी जो है वो अंडरटोन के हिसाब से मेकअप बनाता है. सो अपना अंडरटोन चूज कर सकते हो एंड देन यू कैन चूज द शेड. सो 125 मीडियम इज द शेड नेम एंड वाई इज द अंडरटोन. येलो अंडरटोन का ये फाउंडेशन है. मुझे इनके न्यूट्रल अंडरटोन के भी आ जाते हैं, विच इज द एन रेंज. लाइक द कंसीलर दैट आई हैव इज 110N लाइट. ये इनका कंसीलर है, इसको मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज करती हूँ. सो आप अपने अंडरटोन के हिसाब से ले सकते हो. बोथ ऑफ देम आर माई फेवरेट. के ब्यूटी से अगर कुछ लेना ना, तो ये तो जरूर लेना. कमिंग बैक टू द काजल, जरा देखते हैं कैसा काजल है. इसका जो शेड है वो है रेवन ह्यू. आई थिंक के ब्यूटी ने अब सारे कलर के काजल भी लॉन्च कर दिए हैं. ओके, दिस वन इज द स्मजर वन. आई थिंक मेरे पास है ये. सो दिस इज अ काजल जिसमें वन साइड आपको काजल मिलता है और इस साइड आपको स्मजिंग का टूल मिलता है. सो अगर आपको स्मोकी आइज करना काफ़ी पसंद है, लाइक दोस क्लासिक करीना कपूर वाली स्मोकी आइज, रानी मुखर्जी वाली, जो लोअर वॉट लाइन पर आप काजल लगा के स्मज करते हो, ऊपर स्पेसिफिकली जो आप स्मज करते हो, सो जब भी हम फिंगर से स्मज करते हैं ना, वो एकदम फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है. सो ऐसे टूल काफ़ी काम आते हैं. मेरे पास सिमिलर मेबलिन का भी है. मेबलिन का एक टैटू इंक काजल समथिंग आता है, उसमें भी पीछे आपको ऐसा स्मजर मिलता है. सो काफ़ी ईजी रहता है, इट्स हाइजेनिक एज वेल. आप इजीली स्मच कर सकते हो. सो आई हैव दिस. आई एम नॉट गोना ओपन इट बिकॉज पहले मैं उसको फिनिश करूँगी. बट के ब्यूटी के जितने भी काजल हैं, इनके शिमर वाले आई लाइनर्स भी आते हैं. ऐसे पेंसिल फॉर्म में ही आते हैं, शिमर वाले कलर्ड लाइनर्स आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, आप ले सकते हो. वो बिल्कुल स्मच प्रूफ है, बिल्कुल भी स्मच नहीं होते. देयर लिपस्टिक्स आर रियली नाइस. देयर ब्लशेज आर वेरी गुड. के ब्यूटी का जो ब्लश है ना, मतलब इट इज़ द मोस्ट इंटेंस ब्लश आई हैव एवर यूज. आप हल्का सा उसमें ब्रश लगाते हो एंड आपके चीक्स एकदम रेड डार्क हो जाते हैं. सो बहुत ध्यान से उसको यूज़ करना होता है. इट इज़ बटरी सॉफ्ट. इनके कॉम्पैक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, इनके लूज पाउडर काफ़ी अच्छे हैं. मतलब के ब्यूटी इज़ अ ब्रांड दैट मेक्स श्योर शॉट बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. ये कुछ मेरे फेवरेट्स हैं जो मैं आपको फटाफट फीचर कर रही हूँ. बाकी मैं सबके लिंक्स नीचे दे दूँगी, सो प्लीज़ चेक कर लेना. ये तो आई थिंक नायका का रिचुअल है. हमेशा नायका के पिंक फ्राइडे बॉक्स में एक ट्रेस्मे का प्रोडक्ट होता ही होता है. करंटली मैं जो शैम्पू भी यूज़ कर रही हूँ, ट्रेस्मे का रेड वाला जो इनका केराटिन वाला शैम्पू आता है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ. एंड आई थिंक ये उसी रेंज का कंडीशनर है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज द ट्रेस्मे केराटिन स्मूथ केराटिन एंड आर्गन ऑयल 100% स्मूदर शाइनी हेयर प्रो कलेक्शन कंडीशनर. या ये वही रेंज का कंडीशनर है. रियली नाइस. ये भी काफ़ी अच्छा है. मुझे इनका सीरम बहुत पसंद है. इस सेम रेंज का सीरम आता है, वो काफ़ी अच्छा है. वो तो मैंने पेड कोलैबोरेशन में प्रमोट भी किया हुआ है. आई लव इट. वो काफ़ी अच्छा सीरम है, कंडीशनर काफ़ी अच्छा है, शैम्पू काफ़ी अच्छा है. और अब जो ट्रेस्मे के प्रोडक्ट्स है ना, वो लो सल्फेट फॉर्मुला से बन रहे हैं. इस पर नहीं लिखा हुआ कंडीशनर में सल्फेट नहीं होता. शैम्पू की जो इनकी बड़ी वाली बॉटल है ना, उस पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इट इज मेड विद लो सल्फेट फॉर्मुला. बिकॉज पहले आई थिंक ट्रेस्मे में कुछ केस हो गया था, लाइक मेनी पीपल सेड कि उसके अंदर सल्फेट बहुत ज्यादा होता है, हार्मफुल होता है. सो अब ये जो बना रहे हैं वो लो सल्फेट बना रहे हैं, और मैं खुद भी रेगुलर बेसिस पे उसको यूज कर रही हूँ. सो आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर इट. रियली नाइस. एंड डील पर अगर आपको अच्छे प्राइस में मिलते हैं तो ले लो. बिकॉज ट्रेस्मे इज अ ब्रांड दैट गिव्स यू क्वांटिटी. आजकल शैम्पूज में भी क्वांटिटी नहीं मिलती, ट्रेस्मे के प्रोडक्ट्स में आपको काफी अच्छी क्वांटिटी मिलती है, विच लास्ट रियली लॉन्ग. आई हैव फ्यू मोर स्किन केयर प्रोडक्ट्स. सबसे पहले है न्यूट्रीजना का हाइड्रो बूस्ट हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल. दिस इज
वॉट इट इज़ अ मॉइस्चराइजर. आई थिंक मॉइस्चराइजर तो इनका टब फॉर्म में आता था और वो तो हर साल आता था मेरे नायका के पिंक फ्राइडे बॉक्स में. आई रिमेम्बर वो रिच वॉट इज दिस, ये इसके अंदर सैम्पल क्यों निकला है, ये तो काफ़ी बड़ा मजाक हो गया यार. दिस इज़ द साइज ऑफ द पैकेजिंग एंड दिस इज़ द साइज ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब ये स्मिटन पे सैम्पल्स नहीं आते, बिल्कुल वैसा लग रहा है. वॉट इज़ दिस? ओ दिस इज़ फॉर, नहीं दिस इज़ फॉर 499. ये क्या है जो 499 का और इतना सा है? दिस इज़ अ हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल. आई डोंट नो, ये मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा है. सो ये कुछ इस तरह से दिखता है एंड द क्वान्टिटी इज़ मजाक यार. वो टब वाला मॉइस्चराइजर तो काफ़ी अच्छा है. इट इज़ सेड कि वो क्लिनिक का ड्यूप है, दो उसमें फ्रेगरेंस बहुत हाई है. क्लिनिक का जो मॉइस्चर सर्ज आता है ना, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है. मैंने ट्राई किया हुआ है, वो फ्रेगरेंस फ्री भी है, वो सेंसिटिव स्किन को सूट करता है. लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है, एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, आपकी जनरली एक ऑयली स्किन रहती है ना, तो फिर इसका जो मॉइस्चराइजर आता है वो काफी अच्छा है, वो आप ट्राई कर सकते हो. वी हैव मोर मॉइस्चराइजर. सबसे पहले है ये डॉटन की का विटामिन सी एंड ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर, जो मैंने पहले से यूज किया हुआ है. इसकी सनस्क्रीन भी काफी अच्छी है, जो येलो वाली रेंज आती है ना सुपर ब्राइट, ये काफी अच्छी है ऑयली स्किन के लिए. इसकी सनस्क्रीन भी मैंने ट्राई करी हुई है. आई यूज अ मॉइस्चराइजर एज वेल, नॉट गोना ओपन इट बिकॉज मेरे पास ये है. मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, टॉप 5 जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. आई थिंक मैंने उसमें भी यही वाला फीचर किया था. दिस हैज एंटी ऑक्सीडेंट, 3 टाइप्स ऑफ विटामिन सी. This is for dull dry skin. Again, this is gel based, but this is for dry skin. So, अगर आपकी winters में हल्की सी dry हो जाती है या फिर combination skin है, लेकिन आपको gel based moisturizer use करना पसंद है, you can try this one. This is actually very nice. Next up is the super ceramide. Okay, this is the ceramide super cream hydrating moisturizer. Oh, I've used it. ये तो मैंने review भी किया हुआ है. मैंने paid collaboration करी हुई है Foxtail के साथ. I've used it. It's a nice moisturizer. This is actually a dupe of a very high end moisturizer. एक super barrier क्रीम आती है जो आलिया भट्ट भी ने भी अपनी स्किन केयर रूटीन में दिखाई थी. उसका ये अफोर्डेबल ड्यूप आप बोल सकते हो, बिकॉज ये बिल्कुल उसकी तरह ही वर्क करता है. अगेन दिस हैज रियली नाइस बैरियर रिपेयर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. काफी जेंटल है ये मॉइस्चराइजर. ये मैंने यूज किया, आई थिंक मैंने खत्म भी कर दिया था. आई रियली लाइक इट. हल्की सी फ्रेगरेंस है, विच इज़ नॉट दैट मच, लेकिन स्किन को बहुत अच्छे सूट करता है. अगेन दिस इज अ बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर. सो अगर आपका भी स्किन का बैरियर हिल गया है, यू हैव यूज समथिंग दैट हैज नॉट सूटेड यू, या फिर जनरली आपकी स्किन रेड रहती है, एक्ने प्रोन रहती है, या फिर आपको एक सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर चाहिए, दिस इज रियली नाइस मॉइस्चराइजर. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट टू आइटम्स, आपको दिख भी नहीं रहे बिकॉज कॉर्नर में चले गए हैं, बॉक्स हमारा पूरा खाली हो गया है. सो सबसे पहले है हमारे पास मेबलिन की सुपर स्टे मैट इंक, जो काफ़ी डिफरेंट पैकेजिंग में लग रही है. यूजली ऐसे प्लेन आती है, लेकिन इसमें फ्रंट में कुछ बना हुआ है. आई थिंक ये भी उनकी कोई लिमिटेड कलेक्शन वाली लिपस्टिक होगी. द शेड इज रूलर 80. शेड बाहर से भी आपको पता चल जाता है. ये वाली जो लिपस्टिक है ना, इसमें जो बाहर कलर होता है वही शेड होता है, विच इज लाइक ईजी टू रिकोगनाइज. आई लव दिस रेंज, बट द ओनली थिंग इज ये सुपर 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 स्टे है और ये इतनी मैट कर देती है आपके लिप्स को कि आफ्टर वाइल आपको लिप बाम लगाना पड़ता है, बिकॉज आपके लिप्स पूरे सूख जाते हैं. सो इस लिपस्टिक को अगर आपको लेना है ना, प्लीज साइड में एक लिप बाम भी लेना, अदरवाइज आपके लिप्स बहुत ड्राई हो जाएंगे. बट इफ यू आर समवन जिसको बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहिए, कि मैं सुबह लगा के गई और रात तक किसी फंक्शन में मुझे अपने लिपस्टिक एकदम इंटैक्ट चाहिए, तो ये रेंज काफी अच्छी है. एंड आई थिंक शेड इज लाइक माय काइंड ऑफ शेड, बिकॉज मुझे ऐसे न्यूडिश ब्राउन पिंक शेड काफी पसंद है. ओह इट्स अ प्रिटी शेड, दिस इज नाइस. ये तो मैं यूज़ करने वाली हूँ. काफ़ी प्रिटी शेड है. रूलर इज़ द शेड नेम. अगेन मेबलिन पे अमेजिंग ऑफर्स होते हैं, ये तो हमेशा ले लो. मेरा जब भी फिटमी खत्म होता है, मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन खत्म होता है, मैं हमेशा नायका की सेल में रीस्टॉक करती हूँ, बिकॉज इस टाइम पे आपको कॉम्बो डील्स मिलती हैं. अगर आप 5-6 चीज़ें एक साथ लोगे ना, आपको बहुत अमेजिंग डिस्काउंट मिलने वाले हैं. और रिसेंटली तो मैंने मेबलिन के साथ काफ़ी सारे कोलैब्स भी किए हैं. आई एम लविंग देयर प्रोडक्ट्स. इनका एज डिवाइन कंसीलर बहुत अच्छा है, इनका सिटी मिनी पैलेट काफ़ी अच्छा है. आई लव देयर फिटमी कॉम्पैक्ट, देयर फिटमी ब्लश, फिटमी के कंसीलर्स ऑफ कोर्स मेरे फेवरेट हैं. सो या दिस इज द बेस्ट टाइम टू शॉप मेबलिन. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट, इट्स अ गैजेट. हमेशा नायका अपने पिंक फ्राइडे बॉक्स में गैजेट हमेशा देता है. दिस वन वी हैव इज बाय सिरोना. दिस इज अ बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल आईब्रो ट्रिमर. ये कुछ इस तरह से दिखता है. इट्स अ वेरी यूजुअल आईब्रो वाला जो ट्रिमर आता है ना, मेरे पास फ्लॉलेस ब्रांड का है, जो मैं पहले यूज़ करती थी. अब तो मैं काफ़ी बार मैंने लेज़र करा लिया, बाय द वे अपर लिप्स की भी. मैंने अभी ट्रायल लेके देखा है, नॉट रियली श्योर कि आगे कंटिन्यू कराने नहीं वाली, बिकॉज ऑब्वियसली अपर लिप्स ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है. अगर सूट करती है, आई मे स्विच टू लेज़र ओनली, बट राइट नाउ वी हैव ग्रोथ हेयर, तो उसके लिए तो ये चाहिए ही होता है. सो दिस इज आवर इट लुक्स लाइक. सिरोना इज अ ब्रांड दैट स्टार्टेड विद सैनिटरी पैड्स. पहले ये सैनिटरी पैड्स ही बनाते थे. ओके, वी हैव अ पाउच एज वेल. ओह फैंसी. सो लंबा सा इसके बाद पाउच भी आता है, जिसको आप कैरी कर सकते हो. लाइक द ओनली पॉइंट ऑफ सच ट्रिमर्स इज अ कैरी पर्पज.
ब्रशेस, ये वाले जो होते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, पेन फॉर्म में आते हैं। वी हैव अ क्लीनर ब्रश एज वेल, सो कुछ इस तरह से दिखता है। वेरी यूजुअल फ्लॉलेस का भी बिल्कुल ऐसा आता है, ब्राउन का भी बिल्कुल ऐसा आता है। आजकल तो मैक्सिमम ब्रांड्स ये वाले ट्रिमर्स बनाती हैं, सो यू कैन चूज एनी थिंग। द बेस्ट क्वालिटी वन हैज़ टू बी ब्राउन, लाइक ब्राउन का कोई टक्कर नहीं है, बट ये वाले भी ड्यूब के सेंस में काफ़ी अच्छे होते हैं। सो वंस यू ओपन इट, यू स्विच इट ऑन, यहाँ से आवाज़ आती है बिकॉज अभी तो इसमें ऑब्वियसली सेल नहीं है। सो ये खुलता है कहीं से, सो यहाँ पे सेल इंसर्ट होता है एंड देन यू कैन जस्ट यूज़ इट। ये आईब्रो का है स्पेसिफिकली बिकॉज द हेड इज़ वेरी स्मॉल। जिनका वाइडर हेड होता है यू कैन यूज़ इट फॉर अपर लिप्स एंड साइड पीच फर्स्ट, लेकिन इसका जो हेड है वो काफ़ी छोटा है, सो यू हैव टू यूज़ इट फॉर जस्ट योर आईब्रो ट्रिमिंग। एंड वी हैव अ ब्रश एज वेल, वी हैव अ पाउच एज वेल। सो या मेरा पर्सनल अभी भी फेवरेट फ्लॉलेस या फिर ब्राउन का ही होगा। ये अगर सूट करता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगी। एंड विद दिस वी आर डन विद आवर पिंक फ्राइडे सेल अनबॉक्सिंग, वी आर जस्ट लेफ्ट विद बबल रैप्स नाउ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने जो एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन भी करें अपने साइड से, मैं उनके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज चेक करना। द सेल इज लाइव नाउ, जितनी जल्दी लोगे उतना अच्छा है, बिकॉज जो डील्स होती है ना फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। स्पेसिफिकली शेड्स, स्किन केयर तो आपको पूरे टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन जो मेकअप के शेड्स होते हैं, जो लिपस्टिक के शेड्स होते हैं, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। एंड इंस्टाग्राम पर भी काफी सारे रिकमेंडेशन आने वाले हैं। ये वाला मेकअप लुक का ट्यूटोरियल भी मैं डालूंगी, वेरी सॉफ्ट एंड सिंपल मेकअप लुक जो मैंने सारे नायका के सेल प्रोडक्ट से ही शूट करी है। सो इसका भी रील डेफिनेटली आने वाली है इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा ऑब्वियसली आई विल डू द Q&A रिकमेंडेशन एज वेल। सो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आप मेरे से Q&A पर पूछ सकते हो। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं सबको रिप्लाई करूं विद अमेजिंग रिकमेंडेशंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।